The survey will now take place tomorrow morning, and the commissioner, the DM, and also the mosque administration and the petitioners will all meet tomorrow at 7:30 a.m. Meanwhile, viewers, while so much is going on in terms of a national debate on the Gyan Wapi Mosque, what does the city of Mahakal feel? Now, there's one place where political opinion is always rife, and that is the Banaras Hindu University. We did just that. Go to the BHU to speak to the young students on what they feel is being talked about in their own city. The city of Mahakal, Varanasi, Banaras, Kashi. The chaotic eternal city by the Ganga. Steeped in spiritualism, is today steeped in a polarizing religious battle. The Gyan Wapi Mosque has become that flashpoint that has made the once seamless hues of saffron and green all too prominent. The Mandir Masjid cacophony all too loud. The Hindu-Muslim divide all too wide. For some, it's time history was rectified. For the others, this is an avoidable communal flare-up. And in Varanasi, the best place to tap into the socio-political pulse is always the Banaras Hindu University. The young lot at the Banaras Hindu University, today as divided as the city of Shiva. ये सब तो बस एक सीजनल मुद्दा है ताकि लोगों का जो कंसर्न अभी मौजूदा समय में महंगाई को लेकर के है उसको डाइवर्ट किया जा सके, लोग उस पर बातें ना करें, लोग पैनिक ना करें. तो इन चीजों को लेकर के जो कम्युनल चीजें हैं जो इजिली मतलब कि एक माहौल खराब हो सकता है जिससे, और लोग हर चीजों को भूल जाते हैं जिसके तहत, और इसका हम लोग मतलब इसके कारण हम लोग डिवाइड भी हो चुके हैं. मुद्दा ये है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ कहीं भी हो रहा है, संविधान पे कहीं भी सवाल उठाया जा रहा है, या फिर उसके जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस पर जो है सो सवाल किया जाना चाहिए. लेकिन जहाँ पे आदेश कोर्ट का है, न्यायालय का है, वहाँ पे हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय जो है सो संविधान में एक विशेष दर्जा उनको दे रखा है. और न्यायालय ने पिटीशन के आधार पे, न्यायालय ने कुछ नहीं किया, यही कहा है कि ठीक है आप जांच कीजिए वहाँ पे क्या चीजें हैं. उन चीजों हमें इस बात से परहेज, हर बात को हम हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, हर बात को हम भाजपा कांग्रेस क्यों करते हैं, या फिर समाज कोई भी पोलिटिकल पार्टी, हम इसको जो है सो सिर्फ इस तरह से भी देख सकते हैं कि हाँ हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ मामला है, हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मामला है. ज्ञानवापी मस्जिद हो या विश्वनाथ मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो या कुछ भी हो, पूर्ण रूप से जो राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है, और इससे जो आम जनमानस का जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसको भटकाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दों को लेकर के बाजार में आती रहती है, उसकी मार्केटिंग करती रहती है. पर ये तो जो पेटिशन किया है ये तो बाहर के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है. देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हो सकता है वो पर्सनली किसी पार्टी से न जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से किसी न किसी मतलब एक प्लान्ड है, वो ऐसे ही लोग हैं. जी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा मैं यथार्थ मानता हूँ कि ऐसा है. देखिए ज्ञानवापी मुद्दा जो है वो आज का मुद्दा नहीं है, वो हिंदू स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है. और जिस प्रकार अभी तो जो मुख्य मांग की गई है वो श्रृंगार गौरी को लेके की गई थी, लेकिन ये प्रश्न हमेशा जो है हिंदुओं के मन मस्तिष्क पे है कि एक ऐसा जो उनके जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें जो मुख्य मंदिर था उसको किस प्रकार एक आक्रांता ने तोड़ा, और उसको पूरी तरह नहीं तोड़ा, उसको तोड़ा भी तो सिर्फ उसका गुंबद तोड़ा और आगे का ढांचा तोड़ा, क्योंकि वो जो पीछे का ढांचा है वो हमेशा जो है हिंदुओं को एक जो है चुभता रहे, वो जब तक जो है वो चुभने वाली जो प्रवृत्ति उन्होंने उसने की थी कि वो चुभता रहे, और इसीलिए पीछे वाला ढांचा आप देखेंगे, हम लोग तो वही बगल के बासिंदे, हमारा जो घर है वो करीब जो है 100 मीटर से कम ही है विश्वनाथ मंदिर से, तो हम लोग तो सारी चीजें देखते भी हैं, और उन चीजों को जो है वो वाकई जो है वो एकदम चुभने वाली जो है कि प्रवृत्ति के लिए वो रखा गया था. तो ये एक तरीके से हिंदू स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ मसला है, राष्ट्रीयता से भी जुड़ा हुआ मसला है, और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना उचित रहेगा, न कि इसे हिंदू मुस्लिम जो लोग देख रहे हैं उसकी अपेक्षा इसे राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मसला देखेंगे तो ज्यादा ये सार्थक होगा. कि ये डेवलपमेंट का भी ये है, क्योंकि जब एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अर्थ को यानी धर्म को अर्थ के साथ जोड़ना, वर्तमान समय में जब हम देखेंगे जब आप धर्म को अर्थ के साथ जोड़ेंगे तभी एक आत्मनिर्भरता की जो बात
आप वर्तमान समय आ रही है वो हो सकती है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब स्वदेशी भारतीयता और भारतीय परंपरा के साथ जब हमारा विकास होगा, जब हम उसमें अपने विश्वासों को, अपने मूल्यों को और अपने धरोहर को फिर से एक बार अगर नए विश्वास के साथ कायम रखेंगे तभी हमारा विकास संभव हो सकता है। दुनिया में कहीं भी लिंग जो होता है उसी के अभिमुख जो है रहते हैं नंदी, तो आप उसको भी देख सकती हैं। और कहने का सेंस है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं वहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद था। बहुत सारे लोग इवन वैसी साहब भी आकर यही सब कह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि आपने कितनी बार तोड़ा। और एक ही उदाहरण नहीं है, ये तो बनारस के 3-4 उदाहरण मैंने बताया और सारे भी बहुत सारे उदाहरण है। दरअसल ये जमीन का मामला हो सकता है, एक धर्म का आपसी मामला हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक दो प्रवृत्तियों के बीच का मामला देखता हूँ कि जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया जा रहा था तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात शुरू से व्यापारियों का केंद्र रहा है, तो वहाँ के व्यापारियों ने आताताइयों से कहा कि आप लोग जितना मंदिर में धन लूटेंगे उससे दुगुना धन हम लोगों से ले लीजिए और आप लोग वापस चले जाइए, मंदिर को नुकसान मत पहुँचाइए। उसको आताताइयों उस तरह की प्रवृत्तियां क्या जवाब देती हैं, उन्होंने जवाब दिया कि यह दरअसल बुत सिकन का मामला है। तो दरअसल यह बुत सिकन और हमारा जो सहनशीलता का प्रवृत्ति है, इन दोनों के बीच के टकराव का मामला है। जो तमाम तरह के मस्जिद के मसले हैं या फिर जो बनारस का मिजाज है वो अमन चैन और भाईचारा का मिजाज है। यहाँ बिस्मिल्लाह खान यहीं पे पंचगंगा घाट के ऊपर जो है अपनी सहनाई बजाते थे, उसी से नीचे गंगा में वजू करते थे, फिर ऊपर जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। तो बनारस जो है मिला जुला संस्कृति है जैसा हमने 5 सालों में जिया है। लेकिन हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से महंगाई का मुद्दा, शिक्षा के बजट में कटौतीकरण, और आप देखेंगे ना हॉस्टल की जो छज्जे हैं आप देख सकते हैं को लगातार गिर रहे हैं, तो इन सबों के मसलों पे बातचीत को डाइवर्ट करने के लिए जो है इस प्रकार के मसलों को हाइप दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो कोर्ट का मसला है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरह के लगातार हाइप देना, धार्मिक जो है माहौल को उसको बिगाड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, अदालत का वहाँ जाना, सर्वे करना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि साफ साफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जब बीबी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो पास हुई थी, और उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जितने ढांचे हैं, धार्मिक ढांचे हैं, वो वैसे ही बने रहेंगे। तो फिर इस सर्वे, वहाँ सर्वे करवाना और तमाम प्रकार के धार्मिक मुद्दों को उठाना, ये जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनसे डाइवर्ट करने का एक तरीका है। ये जो महंगाई है और रोजगार है, इस सबसे भटकाने का कार्य ये मंदिर मस्जिद लाके लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कोई भर्तियां नहीं हो रही। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार पे कोई बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही। हाँ, ये डाइवर्ट करना है। महंगाई बढ़ती जा रही है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य यहाँ का खराब होते जा रहा है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कॉलेज के माहौल पे कुछ पड़ा है? कॉलेज के माहौल पे भी कुछ जैसे प्रभाव तो बहुत पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो आप भी हैं? निस्वाई का मतलब ये नहीं है कि हम लोग शांति सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो सरकार है, और यहाँ पे एक तरह से हमारे संविधान के उल्लंघन किया जा रहा है उनका। हाँ, हमको लगता है ऐसा, क्योंकि वो लोग कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रही है जो मौजूदा सरकार है। इतिहास में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुगल्स या फिर जो भी विशेष समुदाय के लोगों ने आए तो हमारे मंदिरों को, संस्कृतियों को किस तरह से तोड़ा है, किस तरह से बर्बाद कर दिया एकदम से। तो मौजूदा सरकार इसको बचाने के धरोहर, हमारी जो धरोहर है उसको बचाने का प्रयास कर रही है, और अच्छा प्रयास कर, न्यायालय भी साथ दे रही है, न्यायालय भी इसको अच्छे से देख रही है, अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब वाले बनारस है, यहाँ कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा है न बनारस में पढ़ा है कुछ। पर जो हो रहा है आप उसके समर्थन में? जी जी, आपको लग रहा है ठीक? ठीक हो रहा है, होना चाहिए। अगर दो कम्युनिटी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इतिहास से प्रॉब्लम है, तो पुराना अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आज के जनरेशन पे थोप दिया जाए कि इनके वजह से है, तो वो तो गलत बात है। मतलब जो औरंगजेब ने किया वो आप जो यहाँ की प्रेजेंट जनरेशन है उनको तो प्रेजेंट जनरेशन को भी डिसोन करना चाहिए। औरंगजेब ने किया तो उनके लिए आप लायबिलिटी क्यों ले रहे हो? खुद ही नहीं लेना चाहिए, इनको भी लेना चाहिए, हमें भी नहीं देना चाहिए। अब इसमें बात आती है, थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट का उनका डिस्क्रिमिनेशन है, नेल्सन मंडेला सब कुछ हुआ, वहाँ रिकंसाइल कमीशन है। ब्लैक्स के साथ जो हुआ वो व्हाइट ने माना कि मेरे साथ हुआ। जर्मनी में जो हुआ ज्यूज के साथ वो मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। आप दो कम्युनिटी के बीच में अगर कोई
इतिहास में कुछ दिक्कत है उसको आप फेस नहीं करेंगे, उसको आप गले नहीं लगाएंगे इन्हें वे, तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे? खाली उसको आप कारपेट नीचे दबाए पड़े सड़ जाएगा वो और परेशान ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीति चौधरी।